1973 में हमारी कहानी एक करिश्माई गोरिल्ला इवान के साथ केंद्रीय चरित्र के रूप में सामने आती है। अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए इवान हमें एक सच्ची कहानी पर आधारित आकर्षक घटनाओं से रूबरू कराता है। कहानी की शुरुआत इवान और उनके साथियों द्वारा अपने समर्पित रिंगमास्टर मैक की देखरेख में बिग टॉप मॉल में आगंतुकों का मनोरंजन करने से होती है। दोस्तों के जीवंत समूह के बीच, जिसमें एक बेसबॉल खेलने वाली मुर्गी, एक आकर्षक सील और एक आनंददायक ट्रक चलाने वाला खरगोश शामिल है, हम उस मजबूत बंधन को देखते हैं जो उन सभी को एक साथ बांधता है। अपने जानवरों के प्रति मैक का स्नेह स्पष्ट है और हमें एक छोटे गुप्त कुत्ते के साथ इवान की स्थायी दोस्ती की झलक मिलती है जो अपने पिंजरे को साझा करता है। इसके अतिरिक्त एक बूढ़ा हाथी साथी इवान की दुनिया का हिस्सा है जो कहानी में गहराई जोड़ता है। जूलिया मैक के कर्मचारियों में से एक की बेटी मॉल की नियमित आगंतुक बन जाती है, जिससे इवान के साथ एक विशेष संबंध बन जाता है। हालांकि कथानक में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब इवान मैक को मॉल के वित्तीय संघर्षों पर विलाप करते हुए सुनता है, जिससे पता चलता है कि शो की कमाई इसे बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है। बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित इवान अपने हाथी मित्र पर विश्वास करता है और शो की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने की कसम खाता है। एक सफल शो के बाद इवान अगले दिन दर्शकों की संख्या में गिरावट देखता है। स्थिति एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब मैक का सुरक्षा गार्ड इवान के पिंजरे से एक कुत्ते को निकालने का प्रयास कर रहा होता है, डर के कारण हार जाता है, जिससे कुत्ते को कोई परेशानी नहीं होती है। इवान की कलात्मक क्षमता को महसूस करते हुए जूलिया ने ड्राइंग में रुचि मानते हुए उसे गोरिल्ला क्रेयॉन और कागज उपहार में दिया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए इवान ने संदर्भ के लिए दर्पण का उपयोग करते हुए कुशलतापूर्वक कागज पर एक मक्खी का रेखाचित्र बनाया। कुत्ता शुरू में हैरान होकर इवान की कलात्मक कौशल से प्रभावित हो गया। अगले दिन जूलिया की नज़र इवान की रचना पर पड़ी और उसने उत्साहपूर्वक इसे अपने पिता के साथ साझा किया और आश्वस्त हो गई कि यह एक मक्खी का चित्र है। जूलिया की पहचान से अचंभित इवान अनजाने में अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी और आश्चर्य का स्रोत बन रहा है। चूंकि मॉल को व्यवसाय में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अन्य व्यापारी चले गए हैं, मैक तेजी से चिंतित हो गया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब उसे एक अप्रत्याशित फोन कॉल मिलता है, जिससे उत्साह बढ़ता है और संभावित रूप से इवान और उसके साथियों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। जैसे ही कुत्ता मैक के पालतू कुत्ते से मिलने जाता है, ये परेशान करने वाली खबर देता है कि नए आगमन के लिए रास्ता बनाने के लिए शो रद्द कर दिया गया है। गोपनीयता का आग्रह करते हुए कुत्ता एक रहस्यमय जानवर के आसन जुड़ाव का खुलासा करता है। हालांकि कुत्ता विश्वास को धोखा देता है और अन्य जानवरों को फलियां देता है, जिससे उनमें प्रतिस्थापन का डर पैदा हो जाता है। उनके आश्चर्य के लिए प्रत्याशित नवागंतुक एक शिशु हाथी निकला जो मौजूदा विशाल हाथी के साथ स्थित था। मैक को उम्मीद है कि शिशु हाथी के प्रदर्शन से शो की लोकप्रियता बढ़ेगी, उसे समूह से परिचित कराया जाएगा। हालांकि इवान निराश है क्योंकि हाथी के बच्चे की बातूनी और जिज्ञासु प्रकृति उसे परेशान करने वाली साबित होती है। अगले दिन मैक ने इवान के प्रदर्शन को शिशु हाथी के परिचय के साथ एकीकृत कर दिया, जिससे अनजाने में इवान का उत्साह कम हो गया। प्रारंभिक असंतोष के बावजूद हाथियों की उपस्थिति शो की लोकप्रियता को बढ़ाते हुए हिट साबित होती है। इस सफलता को भुनाने के लिए मैक ने हाथी के बच्चे की तस्वीरों के साथ पोस्टर को अपडेट किया, जिससे इवान और कुत्ते दोनों में ईर्ष्या और निराशा पैदा हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी कम होती स्पॉटलाइट देखी। एक दिन जूलिया ने बड़े हाथी के पैर में एक समस्या देखी, जिससे मैक को निरीक्षण करने और दवा लिखने के लिए प्रेरित किया गया। हाथी के बच्चे के आग्रह पर बड़े हाथी ने रात में अपनी कहानी साझा की, उस समय को याद करते हुए जब यह एक बच्चा हाथी था जो गहरी खाई में गिर गया था। बड़ा हाथी एक दयालु लड़की द्वारा बचाव का वर्णन करता है और अपने पेड़ों, पहाड़ों और झरनों के साथ बाहरी दुनिया की सुंदरता की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करता है। ध्यान से सुनने पर इवान कहानी से मंत्रमुग्ध हो जाता है और ऐसे जीवन की स्वतंत्रता और सुंदरता के लिए तरसने लगता है। अगले दिन बड़ा हाथी प्रदर्शन करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे मैक को छोटे हाथी को अकेले मंच पर आने के लिए कहना पड़ता है। डर का सामना करते हुए हाथी का बच्चा इवान से सहानुभूति प्राप्त करते हुए झिझकता है। प्रोत्साहन की पेशकश करते हुए इवान हाथी के बच्चे के साहस की प्रशंसा करता है। शुरुआती आशंकाओं के बावजूद हाथी का बच्चा एक शानदार एकल प्रदर्शन करता है, जो साहस की जीत और उनके नए बंधन की ताकत का प्रदर्शन करता है। हाथी के बच्चे के अनुरोध का जवाब देते हुए इवान ने एक रात इसकी कहानी साझा की। इसके शुरुआती दिनों को याद करते हुए इवान बताते हैं कि कैसे मैक और उनकी पत्नी ने इसे एक छोटे बच्चे के रूप में अपनाया और इसे अपने बच्चे की तरह माना।
बड़े होने पर उन्हें कुछ नुकसान होने के बावजूद मैक को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि जब मैक की पत्नी का निधन हो गया तो इवान अकेला रह गया और अंततः उसे मॉल में लाया गया। शिशु हाथी को शांति से सोते हुए देखकर इवान सुनता है क्योंकि बड़ा हाथी उससे पिंजरे से परे जीवन का वादा करने का आग्रह करता है। बड़ा हाथी शिशु हाथी के लिए एक स्वतंत्र जीवन की कल्पना करता है और इवान से उस सपने को साकार करने का अनुरोध करता है। इवान विनती से प्रेरित होकर मदद करने का वादा करता है। दुखद रूप से इवान को बाद में पता चला कि बड़े हाथी की मृत्यु हो गई है, जिससे मैक, अन्य जानवरों और जूलिया के पिता के बीच गमगीन माहौल हो गया है। इवान थकावट के बावजूद हाथी के बच्चे को प्रदर्शन करवाने के लिए मैक के सशक्त प्रयासों को देखता है। निराश और चिढ़कर इवान हाथी के बच्चे की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। राजमार्ग के दूसरी ओर एक जंगल के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए, जहां वे स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, इवान ने अपने चित्र में एक चाबी का रेखाचित्र बनाया है जो पिंजरे को खोलने और बड़े हाथी के सपने को पूरा करने की योजना का प्रतीक है। विश्वास है कि जूलिया इसके चित्रों को समझ लेगी। इवान उत्सुकता से उसे इसकी रचना दिखाता है। हालांकि इससे पहले कि जूलिया संदेश को समझ पाती, मैक ने ड्राइंग को जब्त कर लिया और इवान की कथित कलात्मक प्रतिभा को शो में शामिल करने के लिए प्रेरित हुआ। इवान को एक कलाकार घोषित करने वाले पोस्टर भीड़ को आकर्षित करते हैं, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए इवान ने चित्र बनाने से इनकार कर दिया। मैक की अपेक्षाओं को नजरअंदाज करते हुए इवान हाथी के बच्चे को मुक्त करने के वादे पर ध्यान केंद्रित करता है। मैक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन जब उसे इवान के पिंजरे में कुत्ते का पता चलता है तो अचानक गुस्सा भड़क उठता है। सुरक्षा गार्ड को बर्खास्तगी की धमकी देते हुए इवान मौके का फायदा उठाता है और स्थिति में हेरफेर करता है। कुत्ता सुरक्षा गार्ड को इवान के पिंजरे में ले जाता है और इवान नींद का बहाना करके हरकत में आ जाता है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई योजना को क्रियान्वित करते हुए इवान जागने पर सुरक्षा गार्ड को चौंका देता है। क्षण का लाभ उठाते हुए इवान ने चाबियों से पिंजरे को खोल दिया और सभी जानवरों को मुक्त कर दिया। जैसे ही हाथी का बच्चा सामने आने वाली घटनाओं पर सवाल उठाता है, इवान आत्मविश्वास से स्वतंत्रता के जीवन की ओर अपनी यात्रा की घोषणा करता है। पालतू कुत्ते का प्रतिरोध, उसकी घरेलू प्रकृति से बाधित, लंबे समय तक बाहर रहने में उनके सामने आने वाली चुनौती को उजागर करता है। बिना किसी डर के समूह मुख्य दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन उसे बंद पाया जाता है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में कुत्ते ने इवान को अपनी छिपी हुई ताकत का खुलासा किया और गोरिल्ला को एक शक्तिशाली मौके से दरवाजा तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही वे राजमार्ग की ओर बढ़ते हैं, खरगोश के ट्रक में एक खराबी आ जाती है। इवान अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए समय पर हस्तक्षेप करके फंसे हुए वाहन को बचा लेता है। एक दर्शक इस तमाशे को देखता है जब जानवर उस ओर अपना रास्ता बनाते हैं जिसे वे जंगल मानते हैं। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक होती है जब उन्हें एहसास होता है कि यह एक पारिवारिक पार्क है जो घनी आबादी वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। मैक उनके ठिकाने की जानकारी पाकर इवान को दूसरों को लाने और अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डालने के खतरे के बारे में आगाह करते हुए आता है। जोखिम को स्वीकार करते हुए इवान जानवरों को वापस मॉल में ले जाता है। इसके बाद मैक ने सुरक्षा गार्ड को बर्खास्त करके और जूलिया के पिता के साथ गोपनीयता की आवश्यकता पर जोर देकर निर्णायक कार्रवाई की। शो के बंद होने की धमकी का सामना करते हुए इवान ने स्वतंत्रता के वादे को पूरा करने में असमर्थ होने के लिए खेद व्यक्त करते हुए हाथी के बच्चे से ईमानदारी से माफी मांगी। एक हार्दिक बातचीत में हाथी का बच्चा वास्तविक जंगल के बारे में और अधिक समझने की कोशिश करता है, जिससे इवान को अपने बचपन के मार्मिक विवरण साझा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उस समय को याद करते हुए जब यह अपने परिवार के साथ जंगल में खुशी से रहता था, इवान मिट्टी की पेंटिंग बनाने के अपने जुनून और एक बहादुर गोरिल्ला को पालने के अपने पिता के सपने का वर्णन करता है। शिकारियों के आने पर रमणीय अस्तित्व बिखर गया, जिससे एक दुखद टकराव हुआ जिसके परिणामस्वरूप इवान के पिता की मृत्यु हो गई। पकड़कर शहर लाया गया, इवान को मैक के साथ एक नया घर मिला। कुत्ता इंसानों के प्रति उपेक्षा भाव से प्रतिक्रिया करते हुए उन्हें शैतान करार देता है। हालांकि शिशु हाथी इस दृष्टिकोण का खंडन करता है और एक लड़की के साथ उसकी सकारात्मक मुलाकात का हवाला देता है जिसने बुढ़ापे में बड़े हाथी को बचाया था। यह एहसास कि सभी मनुष्य स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं हैं, बातचीत में एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य लाता है, मानव पशु संबंधों की जटिलता पर जोर देता है। जूलिया की दयालुता चमकती है क्योंकि वह जानवरों की देखभाल करती है, इवान के साथ संबंध को बढ़ावा देती है। एक विचारशील भाव में वह इवान को रंग उपहार में देती है और अपनी ड्राइंग साझा करती है। गोरिल्ला को एक कलाकार के रूप में पहचानती है जो चित्रों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करता है।
अपनी कलात्मक क्षमताओं में जूलिया के विश्वास से प्रोत्साहित होकर इवान उसके द्वारा प्रदान किए गए रंगों के साथ एक पेंटिंग बनाने के लिए प्रेरित हुआ। जैसे ही मैक अगले दिन शो फिर से शुरू करता है, एक रिपोर्टर जानवरों के कथित पलायन के बारे में पूछताछ करता है। यथास्थिति की रक्षा करने के लिए मैक ने जांच को फर्जी समाचार के रूप में खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि सब कुछ क्रम में है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां कला अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है और इनकार शो के भीतर कथित सद्भाव को बनाए रखने के लिए एक ढाल बन जाता है। जैसे ही जूलिया रोशनी की तैयारियों में अपने पिता की मदद करती है, जानवर बारी बारी से अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। आखिरकार सुर्खियों का केंद्र इवान पर पड़ता है और जैसे ही पर्दा उठता है, पत्रकार और दर्शक दोनों जो देखते हैं उससे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यहाँ तक कि मैग भी अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। इवान ने हरे भरे जंगल की एक लुभावनी पेंटिंग बनाई है। जूलिया इवान की कलाकृति के भीतर के संदेश को समझते हुए अपने पिता के साथ बातचीत में संलग्न होती है। वह बताती है कि इवान मॉल की सीमा छोड़कर जंगल की आज़ादी में उद्यम करना चाहता है। जूलिया की समझ और सहानुभूति के बावजूद उसके पिता ने अफसोसजनक सच्चाई बताई कि वह इस तरह के परिवर्तन को सुविधाजनक नहीं बना सकते। ये क्षण इवान की शो से परे जीवन जीने की चाहत को दर्शाता है, जो जंगल के जीवंत कैनवास के माध्यम से दर्शाया गया है। सहायता के लिए जूलिया की अपील के बाद रिपोर्टर एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन जाता है, जो जानवरों की दुर्दशा के पीछे की सच्चाई को उजागर करता है। जैसे ही वास्तविकता सामने आती है, एक सामूहिक समझ उभरती है जिससे मॉल के सामने प्रदर्शन होता है। लोग एकजुट होकर सभी जानवरों को कैद से छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। विरोध को देखकर इवान मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि स्वतंत्रता की योजना सफलतापूर्वक सामने आई है। मैक सामूहिक इच्छा शक्ति की शक्ति को स्वीकार करते हुए हार स्वीकार करता है। एक मार्मिक क्षण में जानवर एक दूसरे को अंतिम अलविदा कहते हैं, क्योंकि वे उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक रोके रखा था। यह एकता और करुणा की विजय का प्रतीक है, क्योंकि प्राणी मॉल की बाधाओं के बाहर एक नए जीवन के वादे को स्वीकार करते हैं। एक मार्मिक क्षण में इवान हाथी के बच्चे के साथ सांत्वना भरे शब्द साझा करता है और उसे एक आशाजनक भविष्य का आश्वासन देता है। अंतिम मुलाकात के लिए इवान के पास आने वाले कुत्ते को एक विचारशील उपहार मिलता है, एक पोषित खिलौना जो उनके बीच साझा किए गए बंधन का प्रतीक है। जैसे ही मैक इवान के साथ विदाई बैठक के लिए आता है, हवा भावनाओं से भर जाती है। अतीत पर विचार करते हुए मैक इवान और अपनी बचपन की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिससे उनके बीच भावनाओं का हार्दिक आदान प्रदान होता है। इस खट्टी मीठी विदाई में इवान ने साथ बिताए समय के लिए आभार व्यक्त किया। भावनात्मक विदाई के बाद इवान अपने नए जीवन की यात्रा पर निकल पड़ता है। एक अपरिचित कमरे में जागने पर इवान की प्रारंभिक आक्रामकता भ्रम का कारण बनती है। एक आश्वस्त डॉक्टर समझाता है कि यह वर्तमान परिवेश के बाहर कहीं और रह रहा होगा। जैसे ही शटर उठता है, इवान का स्वागत एक खूबसूरत जंगल के मनमोहक दृश्य से होता है। यह एहसास होता है कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है, यह अटलांटा चिड़ियाघर का प्राकृतिक वातावरण है। जैसे ही इवान अपने नए परिवेश की खोज करता है, वो कई गोरिल्लाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वो अपने जैसे अन्य लोगों में से है। स्वतंत्रता की एक नई भावना से परिपूर्ण इवान दौड़ता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है और हाथियों से भरे एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र की खोज करता है, जिसमें हाथी का बच्चा भी शामिल है जिसकी उसने देखभाल करने का वादा किया था। यहाँ इस रमणीय सेटिंग में इवान की अपने हाथी मित्र के प्रति हार्दिक प्रतिबद्धता पूरी होती है। फिल्म खुशी और तृप्ति के साथ समाप्त होती है, क्योंकि इवान साथी गोरिल्ला और चंचल हाथियों से घिरे इस अभयारण्य में उनकी भूमिका को स्वीकार करता है।